मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आ गया हूँ। मई 2023 की लोक अदालत कब लगेगी? जी हाँ, मेरे कई ऐसे सब्सक्राइबर थे जो मुझे जो है कमेंट के थ्रू जो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर प्लीज़ आप जो है एक बार हमें डिटेल से बताइए कि मई की कौन सी डेट के अंदर जो है लोक अदालत जो है लगने वाली है और लोक अदालत के अंदर क्या क्या जो है रिक्वायरमेंट होगी हमें। इट मीन्स कई सारे जो मेरे सब्सक्राइबर थे वो चालान के रिगार्डिंग जो है मेरे से कई बार जो है क्वेरीज पूछ रहे थे कि सर प्लीज़ आप थोड़ा चालान के बारे में भी इसके अंदर इंक्लूड कीजिए। तो देखिए, सारे का सारा जो भी पूरा प्रोसेस है, इट मीन्स जो मई 2023 की लोक अदालत लगने वाली है, उसका सारा का सारा जो है इस वीडियो के अंदर आपको ए टू जेड जो है पूरा ब्रीफ के थ्रू जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। पूरी डिटेल जो है आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। सारा का सारा जो है डाटा जो है मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पर लेकर आया हूँ। इट मीन्स मैंने जो है अपनी स्लाइड को इस हिसाब से आप लोगों के लिए बनाया कि आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज के अंदर, देखिए एक नॉर्मल बोलचाल की भाषा के अंदर जो है मैंने ऐसी लैंग्वेज जो है यूज़ करी है और उसके थ्रू जो है मैं आपको जो है यहाँ पर समझाने का प्रयास करूँगा। क्योंकि देखिए, कई सारे ऐसे लोग हैं जो जो स्पेशली जो है लोक अदालत का वेट भी चालान के पर्पस से ही करते हैं, क्योंकि लोक अदालत के अंदर जनरली तौर पर देखा जाता है कि चालान जो है काफ़ी हद तक जो है माफ़ कर दिए जाते हैं। तो इसलिए जो है लोग बड़ा बेसब्री से लोक अदालत का जो है इंतज़ार करते हैं। तो देखिए, इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है पूरा प्रॉपर तरीके से आज हम जानने वाले हैं कि मई 2023 की लोक अदालत कब लगेगी, किन स्टेट के अंदर लगेगी, कहाँ लगेगी, क्या इसका टाइमिंग होगा, क्या डॉक्यूमेंट की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो ए टू जेड जो है मैं इस वीडियो के थ्रू जो है आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा। तो प्लीज़, अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। तो देखते हैं हम अपनी वीडियो के अंदर क्या क्या कंटेंट जो है मैं आज आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो देखिए, टॉपिक जैसा है, मई 2023 की लोक अदालत कब लगेगी। तो देखिए, डिस्कस करते हैं आगे। तो देखिए, मई 2023 की लोक अदालत जो लगने वाली है वो 13 मई 2023 को लगने वाली है। जी हाँ, आप डेट को बड़े अच्छे तरीके से याद कर ले। कई बार क्या होता है, मेरे कई कुछ ऐसे सब्सक्राइबर है जो डेट निकलने के बाद जो है मुझे मैसेज करते हैं कि सर लोक अदालत कब लगेगी। तो प्लीज़ आप लोग जो है नोट कर ले, जो तारीख है वो 13 मई 2023 है। जी हाँ, 13 मई 2023 को जो है लोक अदालत लगेगी। कहाँ लगेगी, किन राज्यों में लगेगी, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो आप जो है पहले तो इस बात को कन्फर्म कर लीजिए, इस बात को आप लिख लीजिए कि 13 मई 2023 को लोक अदालत लगने वाली है। अब कहाँ लगेगी वो भी डिस्कस करते हैं और समय क्या होगा इसका वो भी हम एक बार डिस्कस करते हैं। तो देखिए, समय अगर मैं बताऊं तो समय जो जनरली सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक जो है लोक अदालत जो है का जो है एक टाइम होता है। पर लेकिन कई जगह देखिए टाइम जो है 4 बजे भी हो जाता है कई जगह टाइम। तो आप जो है अपने स्टेट, आप जैसे ये टाइम जो है मैं आपको दिल्ली के अनुसार जो है समय बता रहा हूँ, तो आप जो है अपने स्टेट में जो भी आपका टाइम है एक बार आप जो है वहाँ से उनसे जो है कंफर्म कर सकते हैं। किन से कंफर्म करना होगा, तो आप एक बार जो है जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है आप जो है वहाँ पर जाइए और वहाँ पर जो है एक DLSA का जो है एक ऑफिस होता है, तो आप जो है वहाँ उस ऑफिस के अंदर जो है आप कंफर्म कर सकते हैं कि क्या जो है यहाँ पर जो है टाइमिंग होगी। मतलब इट मीन्स जिस स्टेट के अंदर आप रह रहे हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप रह रहे हैं, वहाँ जाकर जो है आप एक बार टाइम के बारे में कंफर्म कर सकते हैं। बट जनरली समय जो है सुबह 10 बजे से 4 बजे तक के बीच का ही जो है समय रहता है। तो आगे देखते हैं, इसके अंदर हम जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि भैया ये कहाँ लगेगी। तो देखिए, लोक अदालत के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, देखिए सभी स्टेट के अंदर लगती है। जी हाँ, सभी स्टेट और जो भी केंद्र शासित प्रदेश है उसके अंदर जो है लोक अदालत लगती है। जी हाँ, दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, पूरे भारत के अंदर सारी जगह जो है लोक अदालत लगेगी। थोड़ा सा इसके अंदर चेंजमेंट सिर्फ यही हो सकता है कि कई बार जैसे अभी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं, जैसे कर्नाटका के अंदर अभी चुनाव होने वाले हैं, ठीक है, और 13 मई को शायद वहाँ रिज़ल्ट आएगा। तो ऐसी परिस्थिति में कर्नाटका के अंदर जो है डेट जो है फ्लक्चुएट हो सकती है, ऊपर नीचे जो है डेट हो सकती है। बट जनरली सभी राज्यों के अंदर जो है 13 तारीख की डेट डिसाइड होगी। तो जहाँ ऐसे राज्य जहाँ पर जो है कुछ ऐसे सर्कमस्टांस पैदा हो जाते हैं, जैसे अब चुनाव आ रहा है कर्नाटका के अंदर, तो वहाँ शायद जो है डेट जो है फ्लक्चुएट हो सकती है। तो इट मीन्स सभी राज्यों के अंदर जो है लोक अदालत लगेगी। और राज्यों के अंदर कहाँ लगती है लोक अदालत, ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ। तो देखिए, राज्यों के अंदर जो है जितनी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इट मीन्स जितने भी उस एरिए के अंदर जितनी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है,
सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो है लोक अदालत जो है लगती है। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। कई जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन लोगों को नहीं पता होता, वो जनरली सोचते हैं पता नहीं लोक अदालत ऑनलाइन लगती थी है या क्या लगती है। तो इट मीन्स आप ये समझिए कि हमेशा जो है लोक अदालत जो है, एक बार राजस्थान के अंदर जरूर ऐसा हुआ था कि ऑनलाइन लोक अदालत लगी थी, बट जनरली सभी राज्यों के अंदर जो है ऑफलाइन लोक अदालत जो है का जो है आयोजन किया जाता है। तो देखिए अभी अगर मैं चालान के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, तो देखिए अगर दिल्ली के संदर्भ में बात करूं तो दिल्ली के संदर्भ में जो है चालान के लिए आप लोगों को जैसे 13 मई को जो है लोक अदालत लग रही है, तो उससे एक हफ्ता या 4-5 दिन पहले जो है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की साइट पर एक जो है लिंक जनरेट होता है, वहाँ से आपको जो है अपने चालान को डाउनलोड करना होता है। फिर जिस दिन लोक अदालत लगती है उस दिन लोक अदालत के अंदर जो है आप उसे डिस्पोज करा सकते हैं। तो ये प्रोसीजर होता है। दूसरे स्टेट के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे अगर हरियाणा के संदर्भ में बात करूँ तो आपको एक फाइल भी मूव करनी पड़ती है, रोड नंबर भी होता है, कई सारी चीज़ें होती है। तो आप जिस एरिया के अंदर रह रहे हैं वहाँ की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप लोग जाइए और एक बार जो है वहाँ से उनसे कंफर्म कर दीजिए कि लोक अदालत के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है। तो ये जो है आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए बड़ी ही हेल्पफुल वाली ये वीडियो रही होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके भी बताइए, और आपका कोई डाउट है तो आप जो है मुझे कमेंट के थ्रू भी बता सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आगे कब लोक अदालत लगेगी, अगली लोक अदालत कब लगेगी मई के बाद, उसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।